हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेल्टा इलेक्ट्रिकल पर। आज हम बताएंगे कि एक पंप है हमारे पास जिसके मोटर है, उसका डेल्टा कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। हमारे पास एक पंप है, इसका इंस्पेक्शन देखिए। ये 7.5 किलोवाट और 10 HP का पंप है और इसका फुल लोड एम्पेयर है 15 एम्पेयर, 3 फेस मोटर है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इसके हम कनेक्शन कैसे करेंगे डेल्टा के, क्योंकि हमारे पास अभी इसमें कोई कलर कोडिंग नहीं है। तो हम एक एक वाइंडिंग को, इसमें मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटिव सेट करेंगे और एक एक वाइंडिंग को चेक करेंगे कौन सा वाइंडिंग कौन किसमें है। ये हमारा एक वाइंडिंग हो गया, हम इसको एक साइड में कर लेंगे। इसको एक साइड में कर लीजिए। दूसरा, अब हम दूसरा वाइंडिंग इसका चेक करेंगे। ये दूसरी जो कोयल है इसकी कंटिन्यूटी इसमें आ रही है, तो ये सेकंड नंबर की कोयल हो गई। इसको हम अभी टेम्परेरी इसमें लगा देते हैं। तीसरा चेक कीजिए। तीसरा कन्फर्म हो गया है ऐसे ही, क्योंकि दो ही वायर बचे हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा वाइंडिंग हम अब इसमें लगा देंगे ऊपर वाले में। ये हमारे पास तीन हो गए UVW। दिखाइए एक बार। अब हम इनमें से एक एक वायर निकाल लेंगे, एक एक वाइंडिंग का एक एक वायर, बाकी एक एक वायर इसके अंदर ही रहेगा। तो एक एक वायर निकालेंगे। नीचे वाली टीवी में जो लगाना है, एक तो इसको निकाल लीजिए पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीन वायर इसी में लगे हुए हैं और हमने तीन वायर निकाल लिए। इधर वाला इधर रखते हैं। हमने तीनों वायर निकाल लिए बाहर। अभी हम इसका नीचे डेल्टा में कनेक्शन कैसे करते हो बताएंगे। और हटाइए, दोस्तों हमने तीनों वायर अभी टाइट कर दिए हैं यहाँ पर। नॉर्मली टेम्परेरी इसको टाइट कर दिया है, अब हम नीचे की तीन वायर का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इसके कनेक्शन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि एक ही वाइंडिंग को सेम फेस नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो वायर है, इसके दूसरे वायर का दूसरा मुँह ये है। यदि हम इसको यहाँ लगा देंगे और इसमें लिंक लगा देंगे तो इसको आर फेस देंगे, तो दोनों वाइंडिंग को एक ही फेस मिलेगा, तो ये चलेगा नहीं मोटर। तो इसके लिए हम इस वाइंडिंग के दूसरे मुंह को दूसरी वाइंडिंग के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। मतलब कि ये हमारी एक वाइंडिंग हो चुकी है, ये और ये। अभी हम एक फेस इसको देंगे, एक फेस को देंगे तो दोनों को अलग अलग फेस मिलेगा। अब दूसरी वाइंडिंग है हमारे पास ये और ये, तो ये इसके साथ नहीं लगेगा, इसके सामने वाले इसमें लग जाएगा। तो इसको जैसे वाई फेस मिलेगा तो इसको बी फेस मिलेगा। इसको भी कस देंगे। लास्ट में हमारे पास ये वाइंडिंग बची हुई होती है, एक तो ये और ये, एक ही वाइंडिंग है, दो मुंह है। तो ये जो फर्स्ट वाइंडिंग है उसके दूसरे मुंह पे इसको कनेक्ट कर देंगे। चेक है, एक बार हम इसको दोबारा से चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। लगाइए पहला वायर और दूसरे सेकंड के साथ आया, ये पहली कंटिन्यूटी, दूसरी वाइंडिंग के साथ नीचे के तीसरे वाले पर। सही है, तीसरे वाले का फर्स्ट पर। ये हमारी वाइंडिंग सही तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको आर वाई और बी देंगे और अभी हम इसमें इसके लिंक डालेंगे, तभी डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। यदि हमको स्टार कनेक्शन करना है तो हम तीनों में कंटिन्यू लिंक कर देंगे तो स्टार हो जाएगा, और हम सामने सामने इसमें लिंक डालेंगे तो ये डेल्टा में हो जाएगा। अब हम इसमें ये लिंक इसमें टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया,
ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, और हम इन लिंक को ऐसा डालते तो ये स्टार कनेक्शन हो जाता। मोटर को हम चला के और इसका एम्पेयर भी चेक करके देखेंगे। कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसमें वायर लगा के और इसको एक बार स्टार्ट करके देखेंगे। हमने इसके पावर के कनेक्शन कर दिए हैं 3 फेस के। अब एक बार हम इसकी वाइंडिंग को अर्थिंग के साथ चेक करेंगे, एक पॉइंट पॉइंट पे लगाएंगे और एक बॉडी के साथ लगाएंगे इसके। इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब कि सही है, अभी कोई अर्थिंग नहीं है इसमें। अब हम इसको ट्रायल करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन कीजिए। ऑन हो चुकी है, अब इसका लोड एम्पियर जा रहा है 9 एम्पियर। थैंक यू दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।